अरे शुगर की चिंता मत करो जैक। हाँ जैक, हो सकता है शुगर किसी दूसरी दुनिया के सैर पर गया हो। हाँ हाँ मैं सबको जानता हूँ, पर कभी कभी वो हफ्तों तक गायब रहता है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, हमने एक महीने से उसकी आवाज तक नहीं सुनी है। शुगर आ गया, वो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ तुम कहाँ थे शुगर, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या बताऊँ दोस्तों, राजकुमारी सो गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो शुगर? मैं बहुत दूर एक राज्य में गया था। मैं जैसे ही महल के बगीचे में पहुंचा, मैंने देखा कि महल के सारे लोग और रक्षक सब इधर उधर भागने लगे थे। राजा और रानी बहुत परेशान थे। शुगर हमें सारी बात शुरू से बताओ, उस राज्य और राजा रानी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है बताता हूँ, ये 18 साल पहले की बात है। दूर देश के राजा रानी बहुत खुश थे क्योंकि सालों निसंतान रहने के बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके घर एक सुंदर बच्ची ने जन्म लिया। इस खुशी में उन्होंने एक शानदार दावत का आयोजन किया। उन्होंने दावत में पूरे राज्य और परिजगत को भी आमंत्रित किया ताकि वो आकर उनकी बच्ची को आशीर्वाद दें। पर वो बूढ़ी परी को बुलाना भूल गए। दावत वाली शाम को सबने आकर बच्ची को आशीर्वाद दिया। ये बड़े होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनेगी। ये बुलबुल के जैसी मधुर आवाज में गाएगी। इसे सब प्यार करेंगे। हे राजा, तुमने अपने उत्सव में पूरे संसार को आमंत्रित किया, लेकिन मुझे न बुलाकर तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारी बच्ची को शाप देती हूँ कि जब तुम्हारी बच्ची 18 साल की होगी तो उसके हाथ में सुई चुभने से उसकी मौत हो जाएगी। नहीं परी माता, नहीं, कृपया मेरी भूल की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए। तो फिर ठीक है। हे राजा, तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें वाकई इस बात का दुख है। लेकिन मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकती, मगर मेरा आशीर्वाद अभी उसके लिए बाकी है। मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ कि जब उसकी उंगली में सुई चुभेगी तब उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वो गहरी नींद में सो जाएगी और इस नींद से उसे सिर्फ सच्चा प्यार ही जगा पाएगा। पूरे राज्य में से सारी सुइयां हटा दो, सारी धुरियां तोड़कर फेंक दो। महल में आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लो। अगर किसी के पास सुई मिले तो उस सुई को तोड़कर फेंक दो और उसे तुरंत जेल में डाल दो। सुई क्या चीज होती है ये राजकुमारी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसके बारे में जानना चाहेगी। हाँ ठीक है रानी साहिबा। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया और सारे राज्य की सुइयों को नष्ट कर दिया गया। सबने बेफिक्र होकर राहत की सांस ली। कई साल गुजर गए और राजकुमारी अब बड़ी हो गई थी, जैसा कि परियों ने भविष्यवाणी की थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उसे सभी प्यार करते थे। बधाई हो मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। ओह धन्यवाद माँ। 18वां साल तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसका मतलब है कि तुम अपने फैसले अब खुद ले सकती हो। अब आया को हर जगह तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं जाना होगा।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा अपने फैसले बहुत ध्यान से करूँगी। मैं कब से इस महल की छत को देखना चाहती थी। आज मैं देख पाऊंगी, क्योंकि आज मुझे रुकने के लिए आया भी नहीं है। सुनिए, मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ छत पर कोई रहता है। आप कौन हैं? मैं राजकुमारी हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? माफ कीजिए राजकुमारी, मुझे इस कमरे से बाहर गए हुए लगभग 10 साल हो गए। शायद ये पूरा राज्य भी मुझे भूल गया है। वो क्या चीज है? ये सुई है, क्या आपने इसे पहले कभी नहीं देखा? क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। आप कृपया यहाँ बैठिए। अरे नहीं राजकुमारी, क्या आप ठीक है? मदद करो, मदद करो राजकुमारी की मदद करो। वैद्य को बुलाओ। देखिए महाराज, राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है गहरी नींद में सोई हुई है और चिंता की कोई बात नहीं है। ये सब परी के शाप के कारण हुआ है। अब मेरी बेटी को अपने सच्चे प्यार का इंतजार करना होगा। एक महीना हो गया, राजकुमारी अभी भी सो रही हैं। उन्हें कोई भी नहीं जगा पाया। क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे शुगर? हाँ मैं ले चलूंगा। हाँ हाँ चलो चलें। हम बस पहुँचने ही वाले हैं। वो देखो महल का दरवाजा। वो कौन है? ये तो कोई राजकुमार और उसकी सेना लग रही है। हाँ, दूर दूर से कई राजा रानी और महान व्यक्ति इस दूर देश में राजा रानी के बुरे समय में उनकी मदद करने आए हैं। राजकुमार चामिन, महाराज महारानी, इस बुरे समय में मेरे माता पिता ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। क्या मैं राजकुमारी को भी शुभकामनाएं दे सकता हूँ? धन्यवाद राजकुमार, पहरेदार आपको राजकुमारी के कमरे तक ले जाएंगे। ये कितनी सुंदर हैं। मैं हमेशा इनके पास इसी तरह से बैठा रह सकता हूँ। मुझे इनसे विवाह करने के लिए राजा की आज्ञा लेनी ही होगी। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ?
मैं तब तक उनके पास बैठा रहूंगा जब तक कि वो जाग नहीं जाती। तुमने सुना क्या, राजकुमार राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आज्ञा है राजकुमार, लेकिन ध्यान रहे, राजकुमारी सिर्फ सच्चा प्यार मिलने पर ही जागेंगी। मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं यहीं बैठा रहूंगा और आपकी आंखें खुलने का इंतजार करूंगा। अगर ये सच्चा प्यार नहीं तो फिर पता नहीं कि सच्चा प्यार क्या है। सुनिए, ऐसा लग रहा है ऐसा प्यार मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। राजकुमारी जाग गई है। वो देखो, राजकुमारी जाग गई। मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, आज कितना अच्छा दिन है। हाँ देखो ना, सब कितने खुश हैं। सचमुच ये तो कमाल है। सांता क्लॉज? नहीं, मैंने अभी रास्ते के आखिर में मकानों की तरफ एक बहुत भयानक भेड़िये को जाते हुए देखा है। तुमने क्या देखा? सच में जून? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, मैंने नन्ही रेड राइडिंग हुड को भी जाते हुए देखा। अरे नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने जो भी देखा हमें सब बताओ। मैंने रेड राइडिंग हुड को कच्चे रास्ते से होकर जाते हुए देखा। उसके पास ब्रेड की एक खाली टोकरी थी और उसने अपनी पसंदीदा लाल हुड टोपी पहनी हुई थी। वो इतनी खुश थी कि उसने अपने आसपास किसी चीज को नहीं देखा, यहाँ तक कि छिपे हुए भेड़िये को भी नहीं। और बस उछलती हुई पत्थर वाले रास्ते पर चली गई। जैसे ही वो उस रास्ते पर जाने लगी, वो भेड़िया झाड़ियों में से बाहर आ गया। अब रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के लिए दोबारा ब्रेड लेगी। आज मैं उसे खा जाऊंगा। मैं आज उसकी दादी के घर जाऊंगा और दादी बनने का नाटक करूंगा। फिर मैं रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करूंगा। जैसे ही वो आएगी, मैं उसे खा जाऊंगा। अरे नहीं, ये तो खतरनाक है, हमें उसे बताना चाहिए। हाँ सही कहा जो, आओ दोस्तों चलें। हाँ चलो चले। हमें कहीं देर तो नहीं हुई ना, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले मैंने उसे पत्थर वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था। चिंता मत करो, वो अपनी दादी के पास जाने से पहले उनके लिए बेकरी से ताजी ब्रेड लेती है। हम पहले वहाँ देखेंगे। नमस्ते अंकल।
नमस्ते बच्चों। अंकल जी, क्या यहाँ कोई छोटी सी लड़की ब्रेड लेने आई थी? ओह, तुम्हारा मतलब है रेड राइडिंग हुड? हाँ, क्या आपने उसे देखा है? हाँ, वो कुछ ही देर पहले आई थी। वो आज बहुत खुश लग रही थी। कह रही थी कि अपनी दादी माँ के पास जाते हुए रास्ते के बगीचे में से कुछ फूल लेगी। धन्यवाद अंकल। मुझे लगता है हमें सीधे उसके घर की तरफ जाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलते हैं और वहाँ उसका इंतजार करते हैं। वहाँ देखो, कोई दादी माँ के घर में घुस रहा है। ये तो भेड़िया है। हाँ? अरे वो वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी करो दोस्तों, हम अभी भी काफी दूर हैं। अरे नहीं, ये तो रेड राइडिंग हुड है। अरे ये क्या, वो भी घर के अंदर जा रही है। ओह, देर हो गई। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। बच्ची, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे दादी माँ, आपकी आवाज तो बदली हुई लग रही है। अरे बेटा, अब मुझे थोड़ा जुखाम हो गया है। दादी माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके कान इतने बड़े हैं। ये सब इसलिए ताकि मैं तुम्हें ठीक से सुन पाऊँ। बेटा मेरे पास आओ। पर दादी माँ, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं? ताकि मैं तुम्हें ठीक से देख पाऊँ मेरी बच्ची। हाँ, और आपकी नाक भी, आपकी नाक कितनी बड़ी है? ताकि मैं तुम्हें ठीक से सूंघ पाऊँ बेटा। मेरे पास आओ बच्ची। पर आपके दांत भी कितने बड़े हैं दादी माँ। ताकि मैं तुम्हें ठीक से खा सकूं। जैसे तुम्हारे यहाँ आने से पहले तुम्हारी दादी को खाया था। बचाओ, 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 बचाओ। अरे बच्ची, क्या तुम ठीक हो? हाँ, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं पास ही में लकड़ी काट रहा था। मैंने तुम्हारी चीख सुनी तो मैं दौड़ कर यहाँ आया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। हाँ? तो उस भेड़िये ने उसकी दादी को खा लिया और उनके कपड़े पहनकर उसे बेवकूफ बना रहा था। हाँ, अच्छा हुआ वो लकड़हारा वहाँ आ गया। चलो चलो घर चलते हैं दोस्तों, उस भेड़िये ने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ सचमुच, चलो घर चलते हैं। जैक, उन फूलों को देखो, वो कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ बहुत सुंदर है, पर ये दोनों अलग अलग घरों में क्या कर रहे हैं जैक? ये गर्डा और के फूल हैं जून। वो कौन है? गर्डा और के बहुत अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे। अपनी दोस्ती को
यादगार बनाने के लिए गर्डा इन दो गुलाब के फूलों को लाई थी और दोनों को एक एक बगीचे में लगा दिया। वो अब कहाँ है? केको स्नो क्वीन अपने साथ ले गई और गर्डा उसके पीछे गई है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? गर्डा की दादी माँ से मुझे पता चला। गर्डा और केके जैसी दोस्ती नहीं हो सकती। वो हर काम साथ करते थे, वो कभी लड़ते नहीं थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो हर रोज सुबह अपने पौधों को पानी देने के लिए मिलते थे। ओके, मेरी दादी माँ ने तुम्हारी माँ से तुम्हें आज रात मेरे घर भेजने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो हमें कहानियाँ सुनाएंगी। क्या तुम आओगे? अरे वाह गर्डा, मुझे तुम्हारी दादी की कहानियाँ बहुत पसंद है। मैं शाम को जरूर आऊंगा। दादी माँ, आज रात आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? क्या तुम बर्फ की रानी की कहानी सुनोगी? ओह हाँ, उससे मुझे बहुत डर लगता है। क्या सचमुच जहाँ भी उसका नाम लिया जाता है वो वहाँ देख सकती है? हाँ, जो भी उसका नाम लेता है उसे वो एक बड़े जादुई आईने की मदद से देख और सुन सकती है। मैं विश्वास नहीं करता। बर्फ की रानी सिर्फ नाम की है। हाँ, वो सच में नहीं है। मुझे नहीं मानते? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरे बर्फीले योद्धा तुम्हारी आंखों को ठंडा कर देंगे, हाथों की गर्माहट गायब हो जाएगी और तुम्हारा दिल बर्फ जैसा हो जाएगा। तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे बाहर कौन है? ओह, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा दिल। क्या बात है के? क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। अरे जरा देखूं तो। मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। हाँ? अरे तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ से चली जाओ गर्डा। क्या हुआ मेरी बच्ची? वो के की वजह से परेशान हूँ। जिस दिन से वो हमारे घर आया था उस दिन से वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है। उसे थोड़ा वक्त दो, तुम्हारी सच्ची दोस्ती एक दिन सब ठीक कर देगी। हम्म,
भगवान, ये तो बर्फ की रानी है। ये के उसके पास क्या कर रहा है? दादी माँ ने कहा है कि मेरी दोस्ती से एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे के पास जाना चाहिए। अरे वाह, ये फूल तो बहुत सुंदर है, पर इनमें खुशबू क्यों नहीं है? क्या ये असली नहीं है? अब इनमें से खुशबू आ रही है। इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। तुम कौन हो? तुम्हारे छूने से मेरे इस बगीचे के फूल फिर से महकने लगे हैं। बर्फ की रानी ने इन्हें शाप दिया था। बर्फ की रानी? क्या आप जानती हैं वो कहाँ रहती है? मेरा नाम गर्डा है। बर्फ की रानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त को ले गई है। मुझे उसे वापस लाने के लिए जाना है। अरे तुम तो बहुत बहादुर बच्ची लगती हो गर्डा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें नदी के पास इस बात का जवाब मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे के को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तब तक मैं अपनी सेविका को तुम्हारे परिवार के पास भेजकर उन्हें बता देती हूँ कि तुम सुरक्षित हो। हमें गर्डा के बारे में अभी तक यही पता है कि फूलों की राजकुमारी की सेविका उसका संदेश लेकर आज सुबह ही आई थी। वो ये सब अपने दोस्त के लिए कर रही है। काश मैं उसकी मदद कर पाती। दोस्तों, जहाँ गर्डा गई है मैं तुम्हें वहाँ बहुत जल्दी ले जा सकता हूँ। हम उससे बहुत दूर नहीं होंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छा है शुगर। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं। वो वहाँ है, जल्दी करो। फूलों की राजकुमारी ने कहा था मुझे अपने जवाब यहाँ मिलेंगे, पर मुझे तो सिर्फ तुम दिख रही हो। क्या तुम मुझे रानी के पास ले चलोगी? अब हम क्या करें? अरे वो देखो, चलो उस नाव में चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने दोस्त के को वापस ले जाने आई हूँ। कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए।
तुम्हारा दोस्त के अब वो नहीं रहा, वो तुम्हारा दोस्त था। बस कुछ देर और वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अब वो मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहेगा। नहीं के, मैं गर्डा हूँ, मेरे साथ चलो। ओह, तुम्हारे हाथ के ये कितने ठंडे पड़ गए हैं। देख लो गर्डा, तुम्हारा दोस्त अब मर चुका है। नहीं के, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। देखो के गाल लाल हो रहे हैं। गर्डा, तुम रो क्यों रही हो? हम कहाँ हैं? ओके, तुम ठीक हो? नहीं, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं, मेरी शक्तियां बेकार नहीं हो सकती। ये तुम्हारी शक्तियों की हार नहीं हुई है शक्तिशाली रानी, ये तो हमारी दोस्ती की जीत हुई है। काश तुमने वो देखी होती। चलो गर्डा, यहाँ से चलते हैं। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि के पास गर्डा जैसी दोस्त है। उसे बचाने के लिए वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है। बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे दोस्तों। बिल्कुल, हम हमेशा साथ रहेंगे। हेलो दोस्तों। हेलो शुगर, तुम सब विश्वास नहीं करोगे मुझे क्या मिला। वो क्या है शुगर? मैंने जंगल के बीच में एक अजीब सी और बहुत ऊंची मीनार देखी। उसमें कोई दरवाजा या सीढ़ियां नहीं है, सिर्फ एक खिड़की है। ओह, लेकिन उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की है। ऐसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या सचमुच उसके सुंदर लंबे और सुनहरे बाल भी हैं? हाँ हाँ, इतने लंबे कि पहले मैंने सोचा कि वो एक रस्सी है। शुगर, तुमने डायन की छिपी हुई मीनार और उस लड़की को ढूंढ निकाला है जिसे वो अपने पड़ोस में से कई साल पहले चुरा ले गई थी। ये तुम क्या कह रही हो जून? मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी हमें जल्दी से उस मीनार के पास पहुँचना चाहिए। शुगर, क्या तुम हमें रास्ता दिखाओगे? हाँ हाँ, चलो चलें। तो जो कहानी मैंने सुनी है वो है, एक बार की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। काफी सालों के इंतजार के बाद उनके घर पर एक संतान होने वाली थी। उनके घर के पास एक दुष्ट डायन रहती थी। उसके बगीचे में फल, सब्जियां और कई तरह की जड़ी बूटियां उगी हुई थी। एक शाम जब वो महिला खिड़की के पास खड़ी थी, उसने अपने पति से कहा, सुनिए, अपने पड़ोसी के बगीचे के रैम्पियंस खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरे लिए थोड़े से ले आइए ना। लेकिन मेरी जान, वो डायन किसी को अपने बगीचे में घुसने तक नहीं देती, फिर मैं तुम्हारे लिए रैम्पियंस कैसे लाऊं? मुझे पता है ये काम मुश्किल है, पर प्लीज, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? Thank you.
तुमने मेरे बगीचे में चोरी करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इस चोरी के बदले मुझे अपना पहला बच्चा देना होगा। और जैसा उसने कहा था, कुछ महीनों के बाद जब उनका पहला बच्चा यानी एक खूबसूरत लड़की हुई, तो डायन उनके दरवाजे पर आ गई। उन्होंने उससे माफ कर देने को कहा, पर उसने नहीं सुना। उसने छोटी बच्ची को लिया और चली गई। तब तक उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा था। उसने उसका नाम रूपांजल रखा और उसे जंगल में एक ऊंची मीनार में छिपा दिया, जिसमें न कोई सीढ़ियां थी न ही कोई दरवाजा। उसमें सिर्फ एक खिड़की थी। सिर्फ वो डायन ही थी जिसे रापुंजल देख पाती थी, वो भी तब जब उसे खाना या कपड़े देने आती थी। रापुंजल, रापुंजल, अपने सुंदर बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। हेलो माँ। कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या हुआ, क्या बात है मेरी प्यारी बच्ची? क्या तुम अपने नए उपहारों से खुश नहीं हो? अरे नहीं माँ, ये अच्छे हैं, मुझे पसंद है, धन्यवाद। फिर क्या बात है? मैं तो बस यही सोच रही थी कि इन कपड़ों का क्या फायदा, जब मैं इन्हें पहनकर कहीं बाहर नहीं जा सकती। इतनी सुंदर चीजें होने का क्या फायदा, जब मैंने किसी के साथ बांट नहीं सकती। रापुंजल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों से मिलने के बारे में मैं कोई और बात नहीं करूंगी। ये दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बच्ची। तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची के लिए इस दुनिया में बहुत खतरे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें सबसे अलग रखा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ठीक है मेरी बच्ची, अब मैं जाती हूँ, पर मैं कल फिर वापस आऊंगी। रापुंजल, रापुंजल, अपने बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। आप कौन हैं? मैं राजकुमार चार्मिंग हूँ, और डायन ने जो आपके साथ किया है मैं जानता हूँ। मैं आपको इस मीनार से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। रापुंजल, 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 अपने बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। ओह माँ, आप इतनी भारी और मेरे राजकुमार इतने हल्के कैसे हैं? तुमने किसी को मीनार में आने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम अपने राजकुमार को दोबारा कभी नहीं देखोगी, और तुम इस मीनार में कभी वापस नहीं आओगी। ओ,
वहाँ है मीनार। जल्दी चलो, उन झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। खिड़की पर तो डायन है। रूपांसल कहाँ है? मुझे वो दिख नहीं रही है। रूपांसल, रूपांसल, अपने बालों को नीचे करो मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारा राजकुमार। अरे नहीं, ये चाल है, राजकुमार इससे मुसीबत में पड़ जाएंगे। सब चुप रहो, हिलो मत, हो सकता है वो डायन को हरा दे। रूपांसल कहाँ है? तुम कौन हो? तुमने उसके बालों के साथ क्या किया है? अरे ना समझ, तुमने सोचा था कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगे? मैंने उसे जंगल में भेज दिया है, पर तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे और तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे, और जो भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा उसका भी वही हाल होगा। हम उसकी मदद नहीं कर सकते, पर ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, हम उसके पीछे जा सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं सारी जिंदगी उस मीनार से बाहर आने और इस दुनिया को देखने का इंतजार करती रही, लेकिन मेरे राजकुमार के बिना ये दुनिया वैसी सुंदर नहीं लग रही जैसा मैंने सोचा था। कहाँ होंगे मेरे राजकुमार? कौन है वहाँ? ओ नहीं, आपको क्या हो गया मेरे प्रिय राजकुमार? मेरी प्यारी रूपांसल, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे बचाया है। हम मेरे महल चलेंगे और वहां जाकर शादी कर लेंगे। अरे देखा तुमने, ये तो कमाल हो गया। ओ कितना अच्छा हुआ ना, अब वो दोनों सुरक्षित हैं और शादी कर लेंगे। हाँ, मैं उनकी शादी को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। आओ वापस चलते हैं और बुलावे का इंतजार करते हैं। छत इससे पहले कब साफ हुई थी? शायद कुछ साल पहले। अरे देखो, यहाँ कुछ डिब्बों में बहुत सी खास किताबें और प्राचीन कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। अरे वाह, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। वैसे अगर हमें सही डिब्बा मिल गया तो उसके अंदर के सामान को देखने में कोई बुराई नहीं है। कोई इस डिब्बे को उठाने में मेरी मदद करो प्लीज, ये बहुत भारी है, ये मुझसे नहीं उठ रहा। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इन चीजों को वापस उन्हीं डिब्बों में रख देते हैं। रुको रुको, मुझे लगता है ये प्राचीन कलाकृतियों वाला डिब्बा है। हाँ, मुझे देखो क्या मिला, ये तो चिराग जैसा लग रहा है। मुझे दिखाओ, ये इतना गंदा क्यों है? चलो साफ कर देता हूँ। अरे नहीं, ये जैक को क्या हुआ, कहाँ गया वो? जैक ने जो किया हम उसका उल्टा करते हैं। उल्टा करें? पर कैसे? जैसे जैक ने चिराग को घिसा था, क्यों ना हम भी इसका उल्टा करें? मैं कोशिश करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जैक कि तुम वापस आ गए। क्या हुआ? तुमने चिराग को घिसा और तुम गायब हो गए। जो ने उसे फिर से घिसा और तुम वापस आ गए। वाह, मैं कितनी देर के लिए गायब था? बस कुछ ही मिनट के लिए। वैसे तुम्हें क्या हुआ था जैक? दोस्तों, मैं पूरे दिन के लिए गायब हुआ था। मैं आगरबा नाम के एक शहर में पहुँच गया था, जहाँ अलादीन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। वाह, फिर वहाँ क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। मैं अलादीन के घर पहुँचा। अलादीन और उसकी माँ गरीब हैं और अकेले रहते हैं। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। वो अलादीन के मामा थे। मेरी बहन, देखो मैं वापस आ गया। ओ भाईजान, आप कहाँ थे? आपको देखे हुए कितने साल हो गए। मैं जानता हूँ बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को इस तरह अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफें हुई हैं और तुम्हारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ भाईजान, हमें बहुत ज्यादा तकलीफें हुई हैं। ओ, मैं इसीलिए आया हूँ। अलादीन को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इसे काम दूंगा और इसके बदले में अच्छे पैसे भी दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाईजान। अलादीन, अपने मामू जान के साथ जाओ। मामूजान, हम कहाँ जा रहे हैं? चलते चलते बहुत देर हो गई है। मामूजान, हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है। हमें वहाँ पहुँचने में और कितना समय लगेगा? बस हम पहुँच गए। तुम्हें जमीन पर वो पत्थर दिखाई दे रहा है? जैसे ही हम उस पत्थर को हटाएंगे, वहाँ एक सुरंग दिखेगी। ये एक बहुत छोटी सुरंग है, केवल तुम ही इसमें जा सकते हो। एक सुरंग? इसमें क्या है? पता चल जाएगा। चलो आओ, पत्थर हटाओ। तुम्हें अंदर क्या दिख रहा है? मामू जान, यहाँ तो हीरे जवाहरात और बहुत सारा खजाना है। ओ, बहुत अच्छा, वो सब मुझे दो भांजे। मामू जान, ये आखिरी थैला है। अब मुझे बाहर निकाल लीजिए मामू जान। ओह, शुक्रिया अलादीन, अब पर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो तुम लोगों को मेरे खजाने के बारे में बता दोगे। क्या? नहीं मामू जान, मैं नहीं बताऊंगा। खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, मैं खुद यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं जानता हूँ,
नहीं मामूजान, आपको खुदा का वास्ता, यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा अंधेरा है, तो ये लो पुराना चिराग रख लो, शायद इससे तुम्हें थोड़ी रोशनी मिल जाए। मामू जान मुझे पुराना चिराग दे गए हैं, ये चिराग तो जल्दी ही बुझ जाएगा, मैं क्या करूं? ये कितना गंदा है, चलो इसे साफ कर देता हूँ। ओ जी आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? ओ आप कौन है? मैं जिन्न हूँ। हाँ? आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना मेरा फर्ज है। ठीक है, क्या आप मुझे इस सुरंग को खोलकर यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? जो हुक्म मेरे आका। हाँ? वो बाहर निकलने ही वाले थे कि मैं वापस यहाँ आ गया। वाओ! मैं सोच रही हूँ वो जिन्न कौन था, अगर हम चिराग में दोबारा चले तो। हाँ चलो चलते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना मतलब ही निकलेगा। फिक्र मत कीजिए अम्मी, अब हमारे पास चिराग है, अब हमें गरीबी में जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। जिन आप हमें अमीर बना दीजिए। जो हुक्म मेरे आका। जैस्मिन, मैं व्यापार करने के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैंने चिराग को अलमारी में रख दिया है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। सुनो बेटा, मैं अलादीन का मामा हूँ,
वो क्या है कि अलादीन के पास मेरी एक चीज है। मुझे पता है आप कौन है। अलादीन के पास आपकी कोई चीज नहीं है, आपने उसे एक सुरंग में छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे दिख रहा है और मैं इसे ले जा रहा हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? इस घर को रेगिस्तान में ले चलो। हम रेगिस्तान के बीच में हैं। अलादीन हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब तुम मेरी दासी हो जैस्मिन। जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं अलादीन को मार दूंगा। जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। जी मामू जान। बहुत बढ़िया, खाना स्वादिष्ट लग रहा है। इसके साथ ये शराब लीजिए। और लीजिए मामू जान। मुझे नहीं लगता मुझे और शराब पीनी चाहिए। बस एक गिलास और मामू जान। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन, ये सब कुछ जैसे पहले था वैसा ही कर दो। जो हुक्म मेरे आका। हम यहाँ वापस कैसे आ गए? लगता है उसने जिन्न को सब कुछ पहले जैसा करने को कहा, इसलिए हम भी अपनी सही जगह और समय में पहुंच गए। अरे वाह, ये कितना रोमांचक था ना। ठीक कह रहे हो शुगर, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगा तो दोबारा चलें। अरे नहीं नहीं नहीं, अगली बार से मैं इसके बारे में किताब में ही पढ़ लूंगा। Kids, join the adventure of Sugar and Friends.